वो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, तमाम तरह से पार्टी आला कमान ने, छोटे से लेकर के बड़े नेताओं तक ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जनता को तार तार कर दिया। हालांकि दक्षिण भारत में नहीं आता, लेकिन मैं कहूंगा दक्षिण पश्चिमी कहीं ना कहीं हिस्से में भारत की तरफ बढ़ेंगे तो महाराष्ट्र उसमें से एक आता है, जहां पर बीजेपी की अच्छी खासी पकड़ है गठबंधन के साथ सरकार में। इसके अलावा आपने यहाँ पर जिक्र किया कि जिस तरह से यहाँ पर जो हिंदी बेल्ट है, तो मुझे लगता है यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बात का फर्क पड़ता है कि कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है और इस तरह से जैसे कि दक्षिण भारत की जो राज्य है वहां पर भाषा का बड़ा खेल है। हमने लगातार ये चीजें कवर की है, मिलजुल कर हमने काम किया है, जिस तरह से लगातार ये खबरें भी सामने आई है कि भाषा का बहुत ही ज्यादा यहाँ पर खेल है। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन 9 न्यूज और आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सिंहासन 2024 का, में जहां पर बात होती है 2024 से जुड़े कई विवादों की, कई मसलों की और यहां पर राजनीति के कई ऐसे टॉपिक्स पर जो आम लोग यहां पर नहीं छुपाते होंगे उनकी जानकारी देने के लिए। और यहां पर सबसे पहले बात करें तो अब 2023 के जो विधानसभा चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव हुए थे जहां पर तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम। और देखा जाए तो हिंदी बेल्ट के राज्यों में बीजेपी का दबदबा फिर दोबारा कायम रहा। राजस्थान में जहां पर अशोक गहलोत कह चुके थे कि इतिहास नहीं दोहराया जाएगा, हम एक नया इतिहास रचेंगे, सचिन पायलट की लगभग यही सुर थे। मध्य प्रदेश में हमने देखा कि कह रहे थे कि 18 साल हुआ, अब यहां पर कमल नहीं खिलेगा, अब यहां पर कमलनाथ की सरकार होगी। लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो आंकड़े थे वो काफी चौंकाने वाले थे। यहां पर सत्ता फिर दोबारा बीजेपी की बिस्ती हुई नजर आई। हमने देखा छत्तीसगढ़ में जहां पर बघेल के आगे कोई भी नहीं था, कोई भाजपा नेता वहां पर बघेल का सामना नहीं करना चाहता था, वहां भी भाजपा ने जो है बड़ी जीत हासिल करी और तीनों राज्य में बहुमत के आंकड़े के पार अपनी सीट यहां पर पाई। तो लगातार यही कहा जा रहा है कि क्या यहां पर अब जो हिंदी क्षेत्र है वहां पर लगातार बीजेपी का जो विस्तार हो रहा है, कहीं ना कहीं 2024 में ये विस्तार बीजेपी के काम आएगा, क्योंकि अब सीधी लड़ाई 2024 में होगी। 2024 को फाइनल और इसको सेमीफाइनल के तौर पर माना जा रहा था, जिसको बड़े मार्जिन के साथ बीजेपी ने जीत लिया है। तो अब इस जीत के बाद 2024 में क्या समीकरण बनेंगे, इस जीत के बाद या फिर इस हार के बाद कांग्रेस को कितना नुकसान यहां पर भुगतना पड़ेगा और ऐसी क्या कमी रहेगी 2023 के सेमीफाइनल में जो कांग्रेस इसकी कीमत 2024 में चुका सकती है, कई सारे सवाल हैं। और यहां पर इन सवालों का जवाब देने के लिए अक्षय हमारे साथ है। पहला सवाल यहां पर अक्षय से करेंगे। अक्षय, यहां पर कांग्रेस में कहां कमी रह गई, संगठन में कोई कमी रह गई या फिर यहां पर नेताओं के चेहरे में कोई कमी रह गई, क्योंकि यहां पर हमने देखा बीजेपी में अल्टीमेटली मध्य प्रदेश को छोड़ दें तो वहां पर शिवराज का ही चेहरा काम आया, वहां पर उनकी लाडली बहना योजना काम आई और यहां पर महिला वोट प्रतिशत जैसे ही बढ़ा, यहां पर शिवराज के हाथ में कमान फिर दोबारा आ गई। तो यहाँ पर अकेला जो चेहरा था यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही था, तो क्या चेहरे की कोई कमी थी या फिर कांग्रेस यहाँ पर किन कारणों से पीछे रह गई? देखिए दौलत, जिस तरह से इन विधानसभा चुनावों को 2024 के लोकसभा चुनावों का सेमीफाइनल माना जा रहा था, तो मेरा मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव और ये विधानसभा चुनाव, दोनों ही चुनाव एक दूसरे से किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए हैं। अब इस बात को हम इस तरह समझ सकते हैं कि जिस तरह आपने यहां पर सवाल उठाया कि आखिर क्या कमी कांग्रेस की रही, देखिए अगर इस तरह से देखा जाए तो अगर हम सोचे तो यहां पर कुछ खास कमी कांग्रेस की नजर नहीं आती, क्योंकि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में भी अच्छे यहां पर प्रचार प्रसार किया, राहुल गांधी लगातार रैलियां की, ताबड़तोड़ रैलियां पार्टी आला कमान में, चाहे यहां पर सोनिया गांधी ने जिस तरह से वीडियो संदेश जारी किया हो, चाहे यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे हो, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, तमाम तरह से पार्टी आला कमान ने, छोटे से लेकर के बड़े नेताओं तक ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जनता को तार तार कर दिया, लेकिन फिर भी हार मिली और उसकी वजह थी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीधे तौर पर इन तमाम राज्यों में कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी से नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और मैं जिस तरह से अभी ये बात कह रहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव और ये वाले विधानसभा चुनाव दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए, वो इस तरह भी हैं कि यहां पर अब देख लिया गया है कि जिस तरह से खासतौर पर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस का मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से था, तो कहीं ना कहीं सेमीफाइनल भी कहना ठीक है और मिनी फाइनल, मिनी लोकसभा चुनाव भी कहना ठीक है, क्योंकि 24 में यहां कांग्रेस का मुकाबला सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही होना है। और यहां पर यह बात हम भुला नहीं सकते कि इन तीनों राज्यों में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ने एक ही बात
बात कही थी कि मोदी की गारंटी, और जनता ने मोदी की गारंटी पर विश्वास किया है। यहाँ पर तुलना करें हम कांग्रेस की गारंटी से, कांग्रेस ने तमाम तरह से योजनाएं चलाई, घोषणाएं की, उन पर विश्वास ना करके जनता ने भारी संख्या में मोदी की गारंटी पर विश्वास किया है। तो यहाँ पर जो पीएम मोदी का चेहरा है वो कांग्रेस पर भारी पड़ा है, और यही वजह है कि तीनों राज्य कांग्रेस ने गवा दिए हैं। यहाँ पर हमने चेहरे की बात करी, लेकिन दो बेल्ट यहाँ पर है, एक साउथ बेल्ट और एक हिंदी बेल्ट। हिंदी बेल्ट में तो बीजेपी का परचम लहरा गया फिर दोबारा, 18 में थोड़ी यहाँ पर कई राज्यों में हार मिली थी, लेकिन फिर दोबारा उन राज्यों को वापस यहाँ पर ले लिया है बीजेपी ने। लेकिन साउथ बीजेपी अभी कदम रखने से या तो कतरा रही है, या फिर कदम रखने के बाद भी यहाँ पर जीत नहीं मिल रही। क्या ऐसा बड़ा रीजन है कि हिंदी बेल्ट में तो बीजेपी चकाचक काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर आए साउथ बेल्ट की तरफ तो कांग्रेस उनको बड़ी मात देती नजर आती है? देखिए दौलत, यहाँ पर चीज जो आपने कही, जिस बात का आपने जिक्र किया, उसमें मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपने जिस तरह से जिक्र किया कि जो दक्षिण भारत की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो बीजेपी कमजोर नजर आती है, ये बात जो है इसमें बिल्कुल कोई दोराय नहीं है। लेकिन अगर हम ये बात कह रहे हैं तो हम यहाँ कहने की कर्नाटक को भूल रहे हैं। कर्नाटक में हालांकि साल कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन इससे पहले बीजेपी की सरकार कर्नाटक में पूर्ण बहुमत के साथ रही है। तेलंगाना के भी साथ में चुनाव परिणाम आए जहां पर बीजेपी जीत नहीं हासिल कर पाई, ना ही यहाँ प्रमुख विपक्षी दल बन पाई। लेकिन ये चीज नहीं बुलाई जा सकती कि जहां एक सीट 2018 के तेलंगाना विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के खिलाफ, यहां पर तमाम पार्टी के खिलाफ बीजेपी को मिली थी, उस एक से आठ पर आ गई है तेलंगाना में बीजेपी, और कर्नाटक में अभी भी प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी ही है। साथ ही महाराष्ट्र, हालांकि दक्षिण भारत में नहीं आता, लेकिन मैं कहूंगा दक्षिण पश्चिमी कहीं ना कहीं हिस्से में भारत की तरफ बढ़ेंगे तो महाराष्ट्र उसमें से एक आता है, जहां पर बीजेपी की अच्छी खासी पकड़ है गठबंधन के साथ सरकार में। इसके अलावा आपने यहां पर जिक्र किया कि जिस तरह से यहां पर जो हिंदी बेल्ट है, तो मुझे लगता है यहां पर कहीं ना कहीं ये बात का फर्क पड़ता है कि कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, और इस तरह से जैसे कि दक्षिण भारत की जो राज्य है वहां पर भाषा का बड़ा खेल है। हमने लगातार ये चीजें कवर की हैं, मिलजुल कर हमने काम किया है, जिस तरह से लगातार ये खबरें भी सामने आई हैं कि भाषा का बहुत ही ज्यादा यहां पर खेल है, भाषा बहुत ही बड़ी प्रतिद्वंदी मानी जाती है दक्षिण भारत के राज्यों में। आप देख सकते हैं कि हिंदी को इतनी ज्यादा तवज्जो वहां नहीं दी जाती। साथ ही कांग्रेस का आपने जिक्र किया, कांग्रेस मजबूत स्थिति में है दक्षिण भारत में बीजेपी की तुलना में। उसकी बड़ी वजह मुझे यही लगती है कि कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है और वो पुराने समय से दक्षिण भारत में स्थापित है, जबकि बीजेपी को स्थापित होने में समय लग रहा है। तेलंगाना में देखिए 10 साल इस राज्य को बने हुए हैं और बीजेपी 8 सीट लाने में कामयाब हो गई है। तो वक्त मुझे लगता है आगे जैसे जैसे बढ़ रहा है तो कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी खुद को दक्षिण भारत में भी स्थापित करती जा रही है। तो लगातार यहाँ पर बीजेपी अपने पांव बढ़ाती हुई नजर आ रही है, और 24 से पहले ये बड़ी जीत कहीं ना कहीं विश्वास दिलाता है कि अभी जो मोदी मैजिक है वो कायम है। यहाँ पर आप चाहे कितने भी दलों को यहाँ पर ले आओ, लेकिन जो एक चेहरा है यहाँ पर बीजेपी के पास, वो हमेशा यहाँ पर उनके लिए काम करता हुआ नजर आएगा। तो ये थे 5 राज्यों के चुनाव जिसमें बीजेपी ने भारी बढ़त बनाई। यहाँ पर कांग्रेस के हिस्से में एक राज्य आया, तो बीजेपी लगातार यहाँ पर 3 राज्य जीती, और हिंदी बेल्ट के राज्यों पर बीजेपी का दबदबा अभी भी कायम है। तो देखना होगा 2024 में इससे कितनी मदद मिलती है, या फिर 2024 से पहले यहाँ पर कांग्रेस कोई नया विवाद यहाँ पर खड़ा करके इस चेहरे को कमजोर करना चाहेगी, या फिर यहाँ पर बीजेपी की जीत जो है यहाँ पर लोकसभा तक, राज्यसभा तक ही थी, या फिर लोकसभा में बड़ा यहाँ पर हस्तक्षेप होता हुआ नजर आएगा। लगातार हमारी नजर चुनाव पर बनी रहेगी और लगातार आपको अपडेट यहाँ पर हम देते रहेंगे। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 News। धन्यवाद।